सब्सटेंशियल क्राउड, क्योंकि जो फन लविंग जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है वही है यहाँ पे। एक चीज सब में कॉमन है, क्या आप बता सकते हैं? एक चीज हम सब में कॉमन है एंड दैट इज वी आर प्राउड SCLI। आई होप आई एम राइट, आर यू? सो दैट्स गुड एक्चुअली। क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ अपनी पूरी टीम, हो सकता है उसमें गालियाँ पड़ जाए, लेकिन सिंस वी हैव गॉट सम कॉमन थिंग्स तो गालियाँ थोड़ी छोटी होगी। सो एक बात है, जैसे हमने बात करी कि वी आर प्राउड SCLI, सो मैंने एक कविता लिखी है जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गर्ल प्राउड, ये हिंदी कविता है। मैं आप लोग का अटेंशन चाहूँगा क्योंकि आफ्टर दिस हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस जहाँ पे आग लग गई है, तो मेरा थोड़ा लो वोल्टेज है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा शांत होकर लाइनों को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू एवरीवन। गर्व है आज गुरुओं के स्वाभिमान, अगर गुरुओं में स्वाभिमान है तो गर्व है। गर्व है अगर गुरुओं में स्वाभिमान है तो गर्व है। अगर पुरुषों का अभिमान है, अगर पुरुषों का अभिमान है तो गर्व है। अगर आपकी खुद की पहचान है, अगर आपकी खुद की पहचान है तो गर्व है। क्या फर्क पड़ता है कोई हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन यदि देश में अपनी सम्मान है तो गर्व है। क्या फर्क पड़ता है कोई हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन यदि देश के प्रति सम्मान है तो गर्व है। अगर देश काल वातावरण के प्रति ज्ञान है तो गर्व है। अगर भ्रष्टाचार के प्रति विरोध है तो गर्व है। अगर सहयोग की संकल्पना है तो गर्व है। क्या फर्क पड़ता है बेटा है या बेटी है, अगर अवसरों की समानता है तो गर्व है। ज्ञान से नॉलेज जो भी सभी के पास है, अगर ज्ञान की प्यास है तो गर्व है। अगर सपनों से भरी खुली आंखें हैं तो गर्व है। अगर मुझे लगता है इस लैंड पे किसी को कोई गुरेज नहीं होगा, अगर माता पिता के प्रति प्रेम भाव है तो गर्व है। क्या फर्क पड़ता है आप देश में या परदेश में, लेकिन तिरंगे के सामने सिर झुकता है तो गर्व है। तिरंगे के सामने सिर झुकता है तो गर्व है।